चक्रवाती तूफान निसर्ग के महाराष्ट्र में समुद्र तट से टकराने के बाद मौसम ने मिजाज बदला है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में अगले 2 से 3 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना जताई है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को जैसलमेर 41.7 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। बाड़मेर में 41.2 डिग्री, बीकानेर की अगर बात करें 40.7 डिग्री, कोटा में 40.4 डिग्री, जोधपुर 38.4 डिग्री और जयपुर में 37.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार चित्तौड़गढ़ में 3 सेंटीमीटर, प्रतापगढ़, धौलपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में 2-2 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 दिनों में राज्य के कई स्थानों में बारिश होने के आसार है। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या अपडेट? देखिए, निसर्ग के बाद जो मौसम का मिजाज है वो बदल गया, किस प्रकार की अपडेट अभी है, क्योंकि अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना जो है वो जताई जा रही है। बिल्कुल मनीषा, देखिए चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र के पश्चिमी विदर्भ इलाके में अब कमजोर पड़ने लगा है, जिसके चलते अब देखा जाए तो जो निसर्ग का प्रभाव था वो कम देखा जाएगा। इसके चलते मध्य प्रदेश के 18 जिलों में और राजस्थान के 10 जिलों में भारी बारिश और 15 जिलों में आंधी का जो ऑरेंज अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है, जिसके चलते बाड़मेर, जैसलमेर, अजमेर, बांसवाड़ा जिलों में अलर्ट पर किया गया है। इसके चलते कहीं ना कहीं जो तापमान है उसमें भी गिरावट देखी जाएगी। साथ ही साथ अगर मौसम विभाग की मानी जाए तो उन्होंने अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बूंदी, भीलवाड़ा, बारा के साथ साथ कई जिलों में बादल गरजने के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अलर्ट किया हुआ है। यदि मौसम विभाग की मानी जाए तो करीब करीब इन सभी जिलों में जो बारिश होने का अलर्ट है वो जारी रहेगा अगले 2 से 3 दिनों तक। जी मनीषा, बिल्कुल ऋषभ, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें 2 से 3 दिन तक राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में हल्की बारिश का अनुमान है। कई जगहों पर जो तापमान में गिरावट है वो भी दर्ज की गई है, क्योंकि मौसम का मिजाज बदला है। गर्मी से भी लोगों को काफी राहत मिली है।